లఖింపూర్ హింసాకాండపై సుప్రీం కోర్టు ప్రస్తుత న్యాయమూర్తులచే విచారణ జరిపించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలతో ఆ పార్టీ నేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రతినిధి బృందం రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్‌ను కలిసింది. ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ బృందంలో రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున్ ఖార్గే, లోక్సభలో కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కేసీ వేణుగోపాల్ ఉన్నారు. ये हत्या की है उसको सजा मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है. ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है. उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा. मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा. तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट के दो सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए. धन्यवाद. प्रियंका जी, जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा वे सिर्फ न्याय चाहते हैं, और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो. और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए. उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी. मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है, और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है. इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए, और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा. अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है. और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा. तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है, और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे. मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या, किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही सरकार से इस पर चर्चा करेंगे. आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक की कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं.
राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पे कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने।